क्या करेंगे, जो कल का हमारा मसाला पड़ा हुआ था कुछ, उसको निकालने के लिए हम थोड़ा सा मसाला इसमें डालेंगे ताज़ा बना हुआ, ताकि हमारा जो जो कल का जमा हुआ मसाला है वो बाहर निकल आए। उसको निकाल लेंगे उसको। इस तरीके से दोस्तों सारा मसाला निकाल लेंगे, एक दो बार रौंदे ही मसाला फिर डाल देंगे, जिससे जो हमारा कल का सूखा हुआ मसाला इसके साथ में बाहर निकल आएगा। तो दोस्तों ये हमारा कल का जो सूखा हुआ मसाला है इसके साथ में बाहर आ चुका है, और ये मशीन अच्छी तरीके से साफ़ हो चुकी है। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कैसे रॉकेट और नाई की सेटिंग करते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से निकले। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम रॉकेट को ले लेंगे, सॉरी रॉकेट बड़े इस साइड में चूड़ी हैं उस साइड में रॉकेट लगेगा दोस्तों, और रॉकेट की साइड में जो हमारा नट बोल्ट है इसको थोड़ा सा जो है चूड़ी पकड़ाएंगे, ज़्यादा नहीं टाइट करेंगे, और दूसरी साइड डाई रख लेंगे दोस्तों। इस डाई को लगा देंगे, और इधर क्या करना है आपको पूरी चूड़ी बैठा देना है, इसको अच्छी तरीके से ऐसे टाइट कर लेना दोस्तों, फिर इसको ऐसे लगा देंगे। ये हमने दोस्तों इसको टाइट कर लिया दोस्तों, और इस तरीके से कुछ रखना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इससे हम जो अपना मसाला प्रीमिक्स तैयार किए हैं वो हम इसमें डालेंगे, और हम रॉकेट डाई की सेटिंग करेंगे दोस्तों। इसको हमको आगे की तरफ से अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। ये हमारा कुछ ज़्यादा ही टाइट हो गया था, इसको हमने कर लेना है। ये आपको जो दोस्तों अगर इस साइड में बाहर निकले तो समझिए कि हमारा जो है रॉकेट बहुत ज़्यादा टाइट है, इसको ढीला कर लेना है दोस्तों। तो धीरे धीरे ढीला करना है, इधर से चूड़ी नहीं खोलना है। ये देखिए दोस्तों, जो हमारा मतलब जो है ऊपर प्रीमिक्स निकल रहा था वो बंद हो गया है। दोस्तों अभी भी आ रहा है, इसको हमको और ढीला कर लेना है। इस तरीके से हमारा जो प्रीमिक्स है इसको हम उठा के इसी में डाल देंगे, और फिर इसको ऐसे रख लेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हमारा कितना आ रहा दोस्तों, इसके बाद हमको एक जो है स्टिक ले लेंगे और देखेंगे। थोड़ा सा इसको हल्का टाइट करेंगे। इसको और टाइट करेंगे थोड़ा सा। लगा दोस्तों ईद साइड से रॉकेट की साइड से हम अगर स्टिक डालेंगे तो अच्छी तरीके से जानी चाहिए दोस्तों, जबकि टाइट बना रहा है इसलिए हमको इसको थोड़ा सा टाइट करना है। अभी थोड़ा सा और टाइट करना पड़ेगा दोस्तों। इस स्टेप में जो है चेक करते रहेंगे दोस्तों।
जब तक कि स्टिक आसानी से न जाए। तो ये दोस्तों कुछ इस तरह सेकेंडिंग हुई। ये देखिए, अगर पीछे से जो है आप रॉकेट की तरफ से स्टिक को डालेंगे, ऐसे चला दिए फिर स्टिक को डालेंगे दोस्तों, तो इतना सा मतलब जो है टच होना चाहिए, मसाला ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, हमारे